हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और सुबह सुबह की अच्छी वाली धूप, मजा आ गया। और हवा भी बहुत तेज चल रही है, ठंडी ठंडी सी हवा। और आज है मंडे और आज से मैं ब्लॉग अकेले बनाऊंगी। क्या मैं अकेले बनाऊँ आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि कल संडे था, संडे को कोई ब्लॉग नहीं बना। तो आज से मैं अकेले ही बनाऊंगी ब्लॉग। तो अभी जा रही हूँ मैं किचन में, क्योंकि थोड़ा सा छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। मुझे थोड़ा सा काम है किचन में, तो मैं जा रही हूँ अपना काम करने। सुबह सुबह किसी ने बड़े प्यार से मेथी के परांठे पैक करके दिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। फ्रेंड्स, मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आई एम रेडी फॉर ऑफिस, तो मैं भी रेडी हो चुका हूँ। और एक लड़की है जो थोड़ा सा हिल गई है, वो तो कह रही है कि मैं अकेले ब्लॉग बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, है ना। तो हुआ कुछ नहीं है ज्यादा, थोड़ा सा नशा हो गया है, ज्यादा पी लिया है किसी ने। तो कल क्या हुआ था कि कल ब्लॉग नहीं बन पाया। एक्चुअली मैं भी कल लेट उठा और कुछ काम था, संडे को इधर उधर चला गया एंड ब्लॉग बनाने में लेट हो गई। तो कल संडे को जो ब्लॉग आया था वो सैटरडे वाला आया था, कल ब्लॉग बना नहीं। तो आज मंडे को सुबह ब्लॉग बना रहे हैं, है ना। तो इसीलिए थोड़ी सी हमारी झड़प हो गई थी। कल फुल डे ऐसा ही था, संडे की ऐसी तैसी होगी कल, तो सुबह से लेकर शाम तक ना पूरा फुल टू ये किया वो किया, ये क्यों नहीं किया वो क्यों नहीं किया, जबकि मैंने सब कुछ किया बट अपने हिसाब से किया, अपने टाइम से किया, है ना। फिर भी क्या होता है कि बस ये किया वो किया फला किया। तो मुझे छोड़ कर जो तुम जाओ। मिक्सी ठीक करा दी अंजलि तेरी, मैंने बताया। अब बता अब क्या कि नहीं किया मैंने, ये बताओ। कुछ नहीं किया, कुछ भी। कल मिक्सी ठीक कराई कि नहीं कराई मैंने? नहीं। चल रहा है वो? नहीं। हद होगी यार, हट, मैं तेरे को सिखा दूं, इसको उल्टा कर। मुझे आता है। अच्छा चल ठीक है, चल नहीं यार तू बढ़ गया ब्लॉगर, चल उल्टा कर। अकेले बनाऊंगी मैं, नहीं बनाऊंगी। मैं अपना भी तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये डिलीट मत करना, नहीं तो काट डालूंगा मैं तेरे को इधर ही। डिलीट करूंगी, आपको क्या लगता है? कुछ दिन पहले तूने न्यूज सुना था, गर्लफ्रेंड को काट के फ्रिज में रख लेता, बाप रे बाप, एक ही को टुकड़ा ले जा करके फेंकता था। माय गॉड, सीरियसली दिल दहलाने वाली न्यूज थी वो। तो एक लिविंग में रहते थे लड़का और लड़की, उन्होंने एक दूसरे को कटम कटबल करके एक टुकड़ा इधर एक उधर एक इधर उधर कर रहे थे। बाइक को पता नहीं, नया फ्रिज भी खरीदा था उसको रखने के लिए। बताओ पता नहीं उसका रिजल्ट क्या आया, वो पकड़ा गया था ना लड़का, तो सबूत मिल गया। पता नहीं उसको क्या हुआ, बहुत झोला झोला हुआ पड़ा था केस में। जो हड्डियां थी ना वो मैच कर गई। तो अब तुम इससे बात कर रही है ना? यार कैसी नाराजगी है, सुबह सुबह उठ के मेथी परोठे बना के दे रही है लड़की, है ना, इतना कुछ करके दे रही है, काम कर रही है, बातें कर रही है और कह रही है कि मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। बता कैसा झोला लोला ये। तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरे परोठे पैक हो गए, ऑफिस में चाय के साथ खाऊंगा, मैं निकलता हूँ ठीक है। अब एक लड़की है जिसने अकेले ब्लॉग बनाना है, आप लोग उसको देख लेना क्या करती है, अभी से दिखा देना तू भी अपना। गुस्से में सारा कुछ साफ कर दिया, कल मैंने साफ नहीं किया था तो बेचारी ने लगी पड़ी है पूरा। चल अच्छी बात है, लेडीज लोगों को काम करना चाहिए वैसे भी। कर कर कर, तो हमें सिर्फ थूसना चाहिए, ये लो मेले पे दहला लो, थूसने दो हमें बस। मनी अभी रूम पे ही है और हमें अभी जाना है मार्केट, क्योंकि थोड़ा बहुत जो काम है वो खत्म करना है। जैसे कि अब मेरे को अपना सूट भी देना है सिलने के लिए, काफी टाइम से पड़ा हुआ है। चले, आपको तो अपने लिए कुछ नहीं सिलवाना, कुछ भूल तो नहीं रहे? कुछ नहीं, नहीं भूल रहे हैं। है चलो पैसे ले ले बस। पैसे कहाँ से ले लूं, मेरे पास एटीएम कार्ड है, वो क्रेडिट कार्ड है मेरे पास। आपके पास क्रेडिट कार्ड है? आप क्रेडिट कार्ड वाले बंदे हैं। वो ले गया पैसे, कुछ मेरे पास है ही नहीं। नहीं है मेरे पास। सौ का नोट जो भेजती थी वो सब ले गया ना।
ऐसे नहीं ना लेके आइए। चलो बेटा आईब्रो बनवा लेना वहीं पे, हम पैसे नहीं देंगे, झाड़ू पोछा मरवाएंगे ना तुमसे वहाँ पे, तब ठीक होगा। मारेंगे आपको, समझे ना। झाड़ू पोछा मरवाने का बड़ा शौक है आपको। झाड़ू पोछा नहीं मरवाएंगे तो तुम बताओ। बस बोल ली है जो बोलना था। बैठो बैठो। गेहूँ कितने बड़े बड़े हो गए ना देख। ये गेहूँ है। अरे तेरे को पता ही नहीं है वो गेहूँ है? मेरे को लगा था जनेरा है जो गाय भैंस को नहीं खिलाते हैं। नहीं यार पागल, वो देख गेहूँ के वो टूसी सा निकल रहा है वो सब देख। गेहूँ है इतने सारे में। टमाटर एक पका हुआ है वो दिख रहा होगा छोटा। सरसों थोड़ा सा, ये सरसों ही है ना, मेथी है, मेथी है। किसको बाय कर रहे हो? मेरे ऑफिस की तरफ से लेके जा रहे हो? बता यार, ये तो रास्ता बड़ा ही खराब है, वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है अभी। आज कुछ है लगता है मुझे, है ना। वो गाइस आज मंदिर बहुत ज़्यादा सजा हुआ, मुझे लगता है यहाँ पे ना कोई शादी शुदी है अंदर ना, यहाँ पे हॉल है दिस साइड, तो बहुत सुंदर आज सजा हुआ है मंदिर। और लाइट्स कितने सुंदर लगे हैं, ओ माय गॉड रियली। अंजलि किधर गई? हाथ धोने मेरे बिना ही चली गई। जय हनुमान जी, पहले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उधर जा रही है अंजलि, भूल गई थी कि हम पहले इधर आते हैं। या ये लॉक कर दिया, मैं ना वहाँ से टिक्का किया करता था हनुमान जी के पास से। वाह ये पालकी है ना, कितनी सुंदर है ना, डोली है। तो अभी हम करेंगे परिक्रमा। चमाइला ये बंद कर दिया क्या इधर से इन्होंने? तो वो कहाँ? ओहो ये पता नहीं यार उधर कहाँ निकलेंगे हम। चलो बैक हो जाओ यार, बहुत दिन बाद आए ना, हम कंफ्यूज हो गए हैं ना, बड़ा कुछ बंद किया हुआ है। फाइनली हमें हनुमान जी के अंदर जाने के लिए एंट्री मिल गई है, परिक्रमा हो गई हमारी पूरी। चलो अंजलि, तो यहाँ पे बराती दूल्हे सभी आ गए हैं, शादी है यहाँ पे। मंदिर आके तो ऐसा लग रहा है मैं जन्नत में आ गया हूँ सीरियसली अंजलि। आप लोगों के दर्शन करो मैया के, कितने सुंदर लग रहे हैं माता। ओ हो प्रभु, वाह वाह, ओ माय गॉड कितने सुंदर लग रहे हैं यार सीरियसली अंजलि। मैं तो धन्य धन्य हो गया आज तो अंजलि। आज मुझे लग रहा है कि मैं मोहाली में हूँ सीरियसली, नहीं तो वो खेतों में चला गया था ना, खेतों में चला गया था। जय हो, जय हो प्रभु। सब आपका ही करता धरता है, आप लोग करता धरता और हम लोगों पे ही बरसते हैं। चले ये देखिए, सिर्फ साग लिया है हमने, इंसानों के लिए कि जानवर के लिए? चलो चलो
बैठो।